तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल का एक हिडन फीचर, या कह सकते हैं हिडन टिप बताने वाला हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला और आपका जो कुछ काम है उसको आसान भी कर देगा। दोस्तों ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करना है और एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, आपको बताने वाला हूँ एक हिडन फीचर या एक हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आपको सैमसंग के नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने ही व्हाट्सअप के एक मैसेज पर ले जाता हूँ। आप देखेंगे व्हाट्सअप के मैं अपने दूसरे व्हाट्सअप नंबर पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं अपने ही नंबर पर एक मैसेज करता हूँ। जैसे लाइक मैंने देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने हाई का मैसेज करा, आप देखेंगे ऊपर हाई आया है। बट अगर मान लीजिए छोटा सा मैसेज, अगर कोई बड़ा मैसेज है आपको पढ़ना हो तो उसमें इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते और वो हट जाता है। लाइक कैसे, मैं एक बार आपको पूरा और अच्छे तरीके बता दूं। लाइक मैंने अपना यहाँ पर ये पूरा कॉपी करा और यहीं से वापस इसको पेस्ट करके मैंने यहाँ सेंड कर दिया और आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन आ गया, बट मैं इसको पूरा रीड नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले ही वो हट गया है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन हट जाती है। इसमें होता क्या दोस्तों, कभी आप कुछ वर्क कर रहे हो, लाइक अपना कोई गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हो या कुछ अपना वर्क कर रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो या कुछ भी अपने मोबाइल में कर रहे हो और कोई नोटिफिकेशन आई हो, आप नोटिफिकेशन पढ़ना भी चाहते हैं बट वो कुछ सेकंड बाद हट जाती है। दोस्तों जो आपको मैं लेटेस्ट जो ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे क्या होगा, जो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगी वो आपको थोड़ी देर होल्ड रखी जाएगी, मतलब जितनी जल्दी ये चली जाती है उतनी जल्दी नहीं जाएगी, कुछ टाइम रुकेगी और उसके बाद अब तक आप उसको रीड कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको एक बार और पहले करके बताता हूँ। लाइक तो दोस्तों मैंने ही अपने नंबर पे ये टेक्स्ट कर दिया, ये नॉर्मल मैसेज करा है, मतलब सॉरी व्हाट्सअप मैसेज करा है और आप देखेंगे वो मैसेज आ गया है। बट आप देखेंगे बहुत जल्दी, मतलब कुछ सेकंड ही रुकने के बाद वो ऑटोमेटिक चला ही जाएगा, ये चला गया है। बट हम चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आए थोड़ी देर तक रुके ताकि हम उसको ईजिली रीड कर पाएँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल की जाना है आपको सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एसेबिलिटी वाला, आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर एडवांस सेटिंग का, आपको दिख रहा होगा, आपको इस एडवांस सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन वाला आपको एक कॉलम मिल रहा होगा, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टाइम टू टेक एन एक्शन वाला। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पे सेट होता है। अब मैं आपको बता दूँ उसका वर्क है। चूज़ हाउ लॉन्ग टू शो मैसेज दैट आस्क यू टू टेक एक्शन बट आर विजिबल ओनली इन टेम्प्ररी सच एज टेम्प्ररी ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन और वॉल्यूम कंट्रोलर। मतलब कि ये इसलिए काम करता है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर आपने वॉल्यूम का ये जो पैनल है आपने इसको रख के रखा है, ये कितनी देर तक स्क्रीन पर रहेगा ये डिसाइड करता है। आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी ये चले जाता है, तो नॉर्मल सेकंड तक ही रहता है। बट आप चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी जो आपका एक्शन पेंडिंग है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म या थोड़ी देर तक चले, तो आप उसके लिए यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या जितनी देर तक आप चाहते हैं कि आप वो रुके। तो लाइक मैं आपको 30 सेकेंड तक का बताता हूँ, ये मैंने 30 सेकेंड पर सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसको वॉल्यूम, आप देखेंगे वॉल्यूम वाले को मैंने यहाँ से क्लिक करा, अब आप देखेंगे पहले कितनी जल्दी चले जा रहा था बट अब ये नहीं जाएगा जब तक 30 सेकंड्स पूरे नहीं होंगे, ये जब तक नहीं जाने वाला आप देख रहे होंगे। अब मैं ये कैसे वर्क करेगा एक और चीज़ बताता हूँ। लाइक मैंने यहीं से अपने दूसरे नंबर पर ये मैसेज को कुछ भी यहाँ से मैसेज लिख के मैंने सेंड करा और आप देखेंगे ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया है। आप देख रहे हैं अब ये कब तक रहेगा, 30 सेकंड, जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक कि वो वहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक्शन 30 सेकंड का लगा दिया है कि 30 सेकंड तक आप उसको वो ऑटोमेटिक जाएगा नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है, जब तक आप उसको, आप 30 सेकंड में तो आराम से अपनी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं कि अपने काम की है या नहीं है, या कुछ रिप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके उसको रिप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये है बहुत ही काम का फीचर दोस्तों, टाइम टू एक्शन वाला, टाइम टू टेक एक्शन वाला। आप बेस्ट टू बेस्ट बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, आप चाहें तो 10 सेकंड तक कर सकते हैं, 10 सेकंड एक डिफ़ॉल्ट मतलब बहुत ही अच्छा है वो रहता है टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर 10 सेकंड कर दिया है, अब मैंने वॉल्यूम की के जो वो है उसको दबा दिया है, आप देखेंगे 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। दोस्तों ये आपको कोई भी एक्शन जो पेंडिंग होंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपको ये यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा दोस्तों। सबसे अच्छा, कोई नोटिफिकेशन हम रीड नहीं कर सकते क्विकली, तो आप उसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड तक, ताकि आप उसको इजीली रीड करके उसका आंसर दे सकें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा मेरा यूज़र नेम। और दोस्तों हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल
चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।